गर्भवती सास सुलेखा अपने इकलौते बेटे की शादी करके अपनी बहू आरती को अपने घर लेकर आती है और पहली रसोई वाले दिन उसको किचन में ले जाकर उससे बोलती है, बहू ये हमारा छोटा सा किचन है, इसी में तुझे आज से खाना बनाना है। जी माँ जी, समझ गई। इतना बोलकर सुलेखा वहाँ से अपने पति के पास चली जाती है, जहाँ वो अपने पति विक्रम से बोलती है, मैं क्या बोल रही थी कि अभी हमारे बेटे की नई नई शादी हुई है, क्यों ना बेटे बहू को कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर भेज दें? अरे सुलेखा, इसमें पूछना क्या है, उनके हाथों में शिमला के टिकट थमा देते हैं, आखिर हमने भी तो गोवा में अपने दिन गुजारे थे, शरीर से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दिल से नहीं। हटो। सुलेखा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और शाम को आरती सबके लिए खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद विक्रम अपनी बहू से बोलता है, वाह बहू क्या खाना बनाया है, मन तो कर रहा है कि थाली को भी चाट कर साफ कर दूं। अरे तुम अपनी बहू को उसका नेक दोगे कि नहीं? सब खाना खाकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विवेक भी वहां आ जाता है, जिसके बाद विक्रम अपने बेटे को रोक अपनी बहू और बेटे के हाथों में उनके हनीमून की टिकट देते हुए उनसे बोलता है, ये मेरी तरफ से मेरे बच्चों का नेग। विक्रम उसके हाथों में शिमला की टिकट देकर सुलेखा के साथ अपने रूम में चला जाता है और आरती विवेक को खाना खिला अपने रूम में जाकर अपना बैग पैक करने लगती है कि तभी सुलेखा के पेट में दर्द हो जाता है। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से सुलेखा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सुलेखा की तबीयत खराब होने की वजह से आरती और विवेक अपने हनीमून के लिए नहीं जा पाते और अगले दिन हॉस्पिटल से घर आकर सुलेखा अपनी बहू से बोलती है, मुझे माफ करना बहू, मेरी वजह से तुम दोनों बाहर नहीं जा पाए। अरे कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी हमारे लिए पहले आप जरूरी हैं। सुलेखा अपनी बहू से बात कर ही रही होती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिसे आरती बोलती है, यार तू अपनी सास से इसलिए जल रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है? अरे पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे घर नन्ना सा मेहमान आने वाला है, ये खुश होने की बात है यार, लोग क्या बोलेंगे, बहू की शादी को 7 साल हो गए पर अभी तक उसकी गोद नहीं भरी, लेकिन सास छक्के मार रही है। इतना बोलकर उसकी दोस्त उसका फोन काट देती है और ये सारी बात सुनकर सुलेखा आरती से बोलती है, बहू तू सही कर रही थी उसको झूठा दिलासा देकर। अरे माँ जी, मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रही थी, ये तो भगवान की देन है। अरे तो क्या हुआ अगर उसकी सास गर्भवती होती है तो? अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी अपने सास के नखरे उठाती और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करती। ये बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुलेखा अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू आज मेरा मन बहुत मचल रहा है, कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है। सुलेखा बोल ही रही होती है कि तभी सुलेखा चक्कर खाकर गिर जाती है। अपनी सास को इस हालत में देखकर आरती जल्दी से टेबल पर रखे गिलास में पानी लेकर अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है, जिसके बाद सुलेखा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद आरती अपनी फैमिली डॉक्टर को घर बुला अपनी सास का चेकअप करवाती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी सास प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो अपने पति को बताती है, तुम पागल हो गई हो, ये खुशखबरी है इस उम्र में, माँ आपको शर्म नहीं आई? शर्म किस बात की, और इन सब में माँ की क्या गलती है? माँ जी मैं आपका ख्याल रखूंगी। ये बोल वो सुलेखा को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ सुलेखा आरती से बोलती है, बहू आज तो मुझे रोटी सब्जी पर अचार भी देना। हाँ माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं वही आपके लिए बना दूंगी। ये बोलकर आरती जल्दी से अपनी सास के लिए रोटी सब्जी बनाकर उस पर थोड़ा सा अचार रख कर अपनी सास को देती है, जिसे देख सुलेखा गंदा सा मुंह बनाकर आरती से बोलती है, ओफो बहू ये क्या बनाकर ले आई, मुझे नहीं खाना ये खाना, जाकर मेरे लिए खीर पूरी बना दे। अपनी सास के नखरे देख आरती उससे कुछ नहीं बोलती और किचन में जाकर अपनी सास के लिए दोबारा से खाना बनाकर लाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती बिना एक शब्द बोले अपनी सास के सारे नखरे झेलती है। अपनी बहू की मासूमियत देख एक दिन सुलेखा उसको अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, बहू मुझे माफ करना पर मैं इतने दिनों से तेरा टेस्ट ले रही थी,
मैं देख रही थी कि तू जैसे अच्छा बनने की कोशिश करती है वैसी है या नहीं। मतलब बहू, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुझसे झूठ बोला कि मैं गर्भवती हूँ, पर बहू तू बहुत अच्छी है और साफ दिल की है। मैं गर्भवती होने का बस नाटक कर रही थी, साथ ही इतने मैंने तुझे नखरे दिखाए मगर तूने एक बार शिकायत नहीं की। पर माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन मैंने जब तुझे तेरी दोस्त से बातें करते देखा और तेरी सोच देखी ना, तो मुझे लगा तू बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे दिल के साथ खेला। अपनी सास को अपने सामने रोता और माफी मांगता देख आरती को अच्छा नहीं लगता है और वो सारी बातें भूलकर अपनी सास को गले लगा लेती है। रात को विवेक और विक्रम घर आते हैं जहां आरती उनको सारी बातें बताती है। ये खबर सुनकर तो मानो जैसे विवेक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, पर आरती कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है। पर कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि आरती प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सुलेखा अपनी बहू से बोलती है, अच्छा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर होती तो बहू तेरा क्या होता। ये बोल सब हंसने लगते हैं। अब सुलेखा अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और इस तरह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।